हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। तो एक एक करके सारी डिटेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो टोटल सीट्स जितनी रिक्रूटमेंट आई हुई है वो 31 सीट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 4 सीट है और EWS कैटेगरी की 3 सीट है, SC कैटेगरी की 0 सीट है, ST कैटेगरी की 1 सीट है और OBC कैटेगरी की 3 सीट है, जो कि EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उसके लिए, और उसके बाद OBC की 14 सीट है, उसके बाद OBC की महिलाओं के लिए 6 सीट है। उसके बाद यदि महिलाओं की रिजर्वेशन के अनुसार सीट की बात की जाए तो 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जितनी रिक्रूटमेंट आई हुई थी वो है 6 सीट की रिक्रूटमेंट महिलाओं के लिए है। तो PH कैटेगरी में 4% का रिजर्वेशन है और PH कैटेगरी में आपकी सीट 2 सीट है। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल लेवल 9 के हिसाब से 5400 ग्रेड पे है। उसके बाद अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी भी AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप सिविल इंजीनियरिंग में BTEC किया आपने तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज क्राइटेरिया की मिनिमम एज 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज 42 ईयर रखी गई है, वो SC ST और महिलाओं के लिए। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और मेल हैं तो आपको 37 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। और एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1/8/2019 को रेफरेंस पॉइंट मार के कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर ये रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस्ड पे होगा, और आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा तभी आपका मेरिट बनेगा। यदि आप OBC में हैं तो 36.5% आपको मार्क्स ऑब्टेन करना होगा। यदि आप EBC में आ जाते हैं तो 34% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होगा। यदि आप SC ST और लेडीज़ हैं, और यदि आप PH कैटेगरी में भी आते हैं तो आपको 32% मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करना होगा, तब जाके आपका मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स की जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसमें टोटल 6 पेपर होगा, और 6 पेपर में पहला पेपर जो है वो जनरल इंग्लिश की होंगे और सेकंड पेपर जनरल हिंदी की होंगे, और दोनों एक एक घंटे की होंगी और 100-100 मार्क्स ईच, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके बाद आपका जो थर्ड पेपर होगा वो जनरल साइंस की होंगी, ये भी ऑब्जेक्टिव होंगी और ये एक घंटे की होगी, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जनरल इंजीनियरिंग होगा जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर की होगी और ये एक घंटे की होगी और ये भी 100 मार्क्स की होगी। उसके बाद ऑप्शनल पेपर में आपका सिविल इंजीनियरिंग के एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगी एक घंटे की, और उसके बाद सेकंड पेपर जो होगी वो भी सिविल इंजीनियरिंग की एक घंटे की होगी, और इसमें दो पेपर है ऑप्शनल में सिविल इंजीनियरिंग की। इसमें आपके जो टोटल जितने पेपर्स आपने BTEC में पढ़े हैं, आधे पेपर पहले में और आधे पेपर दूसरे में। इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ बिहार स्टेट के परमानेंट रेजिडेंशियल पब्लिक को ही मिलेगा, बाकी यदि आप बिहार के अलावे कोई दूसरे राज्य से आते हैं तो आपको रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस फॉर्म को फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी भी डिटेल्स अपनी भरिएगा वो 9/4/2020 से पहले आपके पास जितनी सारी डॉक्यूमेंट है वो इशू हो गई हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसकी फ़ी को जो भरने के लिए है, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ है, और आप यदि OBC कैंडिडेट हैं फिर भी आपको उतना ही पेमेंट करना होगा, और यदि आप बिहार गवर्नमेंट के SC और ST हैं तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद यदि आप बिहार गवर्नमेंट में महिला हैं और आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो भी आपको 200 ही पेमेंट करना है, और यदि आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको 200 रुपये पे करने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है और जो स्टार्टिंग डेट है वो कब कब की है। तो इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 11/3/2020 से लेकर 25/3/2020 तक है, और फॉर्म को फी पेमेंट करने की जो डेट है वो 31/3/2020 को रखी गई है, और जो फॉर्म को आवेदन करने की जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो 9/4/2020 तक रखी गई है। और जो आप जितना भी फॉर्म भरिएगा सारा फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी निकाल के और उसके ये जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको
गूगल पे जाके www.bpsc.bih.nic.in पे क्लिक करना है। वहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप तुरंत होम पेज पे जाके पहुँच जाइएगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप जिस समय भरिएगा, यदि आप फॉर्म को आज भरते हैं तो आपको कल दिन के 11 बजे के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और फी पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को पेमेंट करने के बाद फॉर्म को आप पूरा सबमिशन कर दीजिए जैसे आपको लगता है, और जल्दी जल्दी कर दीजिए, देर नहीं करनी है इसमें। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस की। तो आपको फॉर्म भरने के बाद आपका जिस जिस डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ा है फॉर्म भरते समय, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, बीटेक का सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद यदि कोई पीएस कैटेगरी में आते हैं तो पीएस का सर्टिफिकेट, कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट को आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा ये अटेस्टेड करवाना होगा, और अटेस्टेड करवाने के बाद आपको एक एड्रेस पे भेजना होगा 16/4/2020 से पहले, और वो एड्रेस है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 800001 को पहुंच जाए 16/4/2020 से पहले। फॉर्म भरने के बाद आप कन्फर्मेशन पेज का एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, और आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने जितने भी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले की इशू हुई है या नहीं। और इस फॉर्म को भरते समय आपको जो लिंक का ज़रूरत पड़ेगा वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट होम पेज पर जा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।